हेलो गाइस, आज हम मैं बबी मतलब मैं वैभवी और पार घूमने आए हैं। और हम आ रखे हैं, हमें घर के पास एक जगह है, झील बोलते हैं उसको। ये देखिए देखिए फाउंटेन भी है। देखो, फाउंटेन भी है वहाँ। छोटी छोटी बतख दिख रही होंगी आपको। अभी पास आके देखेंगे, पास जाके देखेंगे। वो देखो, और बबी कैसा लग रहा है? पहली बार आ रही है, बताओ कैसा लग रहा है? पता नहीं चल रहा है कौन सी जगह है। पर कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है, तो हम कह रहे हैं पानी में नहा लूं। अच्छा, वो देखो बतख, छोटी छोटी बतख देखो। अभी मंजू देखो, बतख देखो। मैं दिखाती हूँ। नहीं नहीं रहने रहने, देखो मैं दिखाती हूँ। मैं अभी आगे जाके बहुत सारी दिखेंगे। यहाँ देखो वंशु, कैसा लग रहा है आपको वंशु? वंशु ये वो देखो, एक बतख वहाँ बैठी। कहाँ पे है बतख? कहाँ है? तो अभी वंशु भी, वंशु पानी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है, बोल ही नहीं रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। बस यहाँ पानी को घूमना देखो, उसको ऐसा लग रहा है पानी में मछली है, तो उसको मछली देखना बहुत ज्यादा पसंद है। वंशु आपको कैसा लग रहा है बेटा? वो क्या है वहाँ पे, क्या है वो? और भी लोग आ रहे हैं वैसे पीछे से। वो देखो मछली चलेंगी, आगे जाके हम आपको दिखाते हैं क्या नजारा। ओ भयंकर, क्या है वंशु वहाँ पे, क्या है वो मछली? कहाँ है मछली? देखिए पीछे फाउंटेन चल रहा है। मछली नहीं है वो बेटा, बतख है वो। डक डक है, डक। क्या है वो? चलो वहाँ का भी दिखा दो फाउंटेन। चलो बबी, बताओ कैसा लगा आपको यहाँ आके, एक्सपीरियंस बताओ अपना, बताओ। इधर देखिए, पीछे देखिए, बोलो। अच्छा लग रहा है। डक कैसी लगी? डक आपने शायद पहली बार देखी है। अच्छी लगी है। क्या क्या बातें करी आपने उसके साथ? कैसी बातें करी? क्वैक क्वैक। यहाँ बैठ जाओ, आपको बैठना है तो बैठो जाओ। ये देखिए इनके हरकतें, कैसा लग रहा है वंशु? पीछे टिक जाओ, पीछे ऐसे टिको। इसको देखना, ये तो पिकनिक मनाने आई है यहाँ पे। चाहिए काफी लोग आ रखे हैं वैसे। ओ बेबी रो रहा है। यहाँ वॉक करने भी आते हैं लोग, क्योंकि वहाँ ज्यादा भीड़ है। देखो अब आने लग गया उसको मजा। मुझे नहीं, वहां से गिर जाओगे बेटा। स्माइल करो मुझे, स्माइल करो। बबी वंशु, वंशु स्माइल करो, वंशु स्माइल करो, स्माइल। क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो एग्जिट है बेटा, वहां से ऊपर एग्जिट है। हमने एग्जिट ले लिया है, और अभी मेरे को यहाँ कुछ अच्छी सी चीज़ दिखी। देखिए ये है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, ये गढ़वाल राइफल के हैं। ये बहुत ही छोटी उम्र में शहीद हो गए थे। ये एक बार आप देखिए अच्छे से। इनके बारे में वैसे तो मेरे को बोलने में अच्छा लग रहा है, पर मेरे को अभी इनके बारे में अच्छे से पता नहीं है। पर ये मेरे को पता है, ये गढ़वाल राइफल के हैं। इन्होंने चाइना बॉर्डर के लोगों को मतलब 72 घंटे तक अकेले उनको मारा था। और इसके आगे की कहानी मेरे को पूरी पता नहीं है। अभी मैं आपको, ये तो तैयार हो गए, मैं तो बैठी नहीं, ये दोनों पहले ही बैठ गए, ये दोनों के दोनों पहले ही बैठे हैं। यहाँ पे ना प्लेग्राउंड भी है खेलने के लिए, बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं। साउंड, ओह माय गॉड,
अच्छा अच्छा है यार, वैसे तो मेरे को सही लगा, घर के पास ही था, थोड़ा बच्चों के लिए खेलने के लिए सही था। अब हम निकलते हैं, अब बच्चों ऐसे बोलो बाय गाइस।